The key to an easy trek is a steady trek. चलते रहेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी. Come on, guys! Alright, everybody smile. एक बार तुम तीनों के साथ मुझे अपना बचपन फिर से जीना. किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जाना. साल में एक दिन तेरा बर्थडे आता है, उसमें भी तेरा ये जो एवरेस्ट है ना, ये सारे गिफ्ट ले जाता. मखमल का लो वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है कंधे पर. चलो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए. सीढ़ी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ. केटिको बर्फ बदन है, केटिको सुर्ख लगन है. आप इनके परिवार को इत्तला कर दीजिए. बस हम इससे ही चलते. वो बैंकर स्त्री विसर्जन वही होना चाहिए जहां उसकी आत्मा बसती. हमारी उम्र क्या जानता है ना, और मैं अगर सोच भी लूं तो शबीना तो मुझे गुजावा के लिए जाने नहीं देती. एवरेस्ट की बात तो दूर होगी. ध्यान रखना अपना, पहाड़ों में बर्फ होती है, कहीं फिसल मत जाना. पहाड़ों में हम कोई एवरेस्ट थोड़ा चढ़ने जा रहे हैं. आंटी मेरा मतलब है अब सारा में जीना. दिल्ली से कानपुर तक की दूरी 495.6 किलोमीटर. हम 7 घंटे और 31 मिनट में तय करेंगे. बाथरूम के लिए कब रुकना वो भी आप बता दो. कब आएगी, इसका भी तुमने प्लान बनाया होगा. हाँ, बनाया होगा कि नहीं? क्यों दे रहा है ये मतलब? एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है. यहाँ पर इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कभी भी बर्फ पड़ सकते. तो हर रोज 8 से 10 घंटे ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए. इसलिए हमें घर पे बैठना चाहिए. नहीं लगता हमें घर पे, हमें बाहर चलते हैं. नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है. कर लो तो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठे. भूपेन का फेवरेट गाना. ये जीवन है, इस जीवन का यही है.